जी हाँ, आपने बिल्कुल सही टाइटल पढ़ा है, द अमेरिकन डेथ लेओपास। अब डेथ लेओपास पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से एक है, और तो और ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा फेमस है। उस केस से रिलेटेड बहुत लोगों की अपनी अलग अलग थियोरीज हैं, लेकिन थियोरीज सिर्फ थियोरीज होती हैं, क्या सच क्या झूठ किसी को भी नहीं पता। लेकिन आज का जो हमारा केस है उसका नाम है यूबा काउंटी 5। ये केस बिल्कुल उसी केस की तरह है जहां 5 दोस्त कैलिफोर्निया की बर्फीली पहाड़ियों में गायब हो जाते हैं, वो भी बिना किसी ट्रेस के। अब अगर आपने डेथ लेओपास केस पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है तो ये केस भी बिल्कुल उसी तरीके की वाइब देने वाला है। तो चलिए अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं, लेकिन अब जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। आज की कहानी हमें लेके चलती है यूबा काउंटी। यूबा काउंटी यूएसए की एक काउंटी है जो कि कैलिफोर्निया में आती है। यूबा काउंटी का नाम यूबा रिवर के नाम पे पड़ा है जो कि कैप्टन जॉन सडर ने दिया था। प्रेजेंट में यूबा काउंटी की लगभग 82,000 की पॉपुलेशन है। यूबा काउंटी अपने मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए तो फेमस है ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है। हिस्टोरिक मदर लॉरे काउंट्री का भी कैलिफोर्निया का गेटवे यूबा काउंटी से ही शुरू होता है। यूबा काउंटी के लैंडस्केप, फुट हिल्स, रिवर, फार्म लैंड सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। आज की कहानी की शुरुआत होती है 24 फरवरी 1978 से, और जोसेफ शोन्स नाम के आदमी इस रात को कभी भी नहीं भूलेंगे। उस टाइम नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के माउंटेन्स पे बहुत ज्यादा स्नो पड़ रही थी, और 55 ईयर्स के जोसेफ शोन्स अपने लॉज पे जाकर स्कीइंग कंडीशंस को चेक करना चाहते थे, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से उनकी फॉक्सवैगन बीटल वहीं बर्फ में फंस जाती है। क्योंकि वहां पे लगातार स्नोफॉल हो रहा था, इसीलिए जोसेफ के लिए चीजें और ज्यादा खतरनाक ही होने वाली थी। सडनली जोसेफ के चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, और उनको ये रियलाइज हुआ कि शायद उनको हार्ट अटैक आ रहा था, इसीलिए उन्होंने अपनी गाड़ी का हीटर चालू किया और वहीं पर रह गए। अब क्योंकि वो इतने ज्यादा घबरा गए थे, इसलिए बाहर बर्फ में जाने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई, और उनको ये लगा कि शायद थोड़ी देर बाद कोई उनकी मदद करने जरूर आ जाएगा। लेकिन पूरे 6 घंटे बीत जाते हैं और कोई भी नहीं आता। अब रात बहुत ज्यादा हो रही थी और जोसेफ ये मान चुके थे कि कोई भी उनको बचाने नहीं आने वाला। तभी उन्हें एक गाड़ी की लाइट दिखती है, और वो गाड़ी जोसेफ की गाड़ी से थोड़ा पहले ही रुक जाती है। अब भारी बर्फबारी के बीच जोसेफ उसको देखते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं। अब चीजें प्रॉपरली तो नहीं दिख रही थी, लेकिन जोसेफ को इतना पता चल चुका था कि वहां पे 6 लोग हैं और एक इंसान के हाथ में एक बच्चा है। तभी जोसेफ के मन में एक सवाल भी आता है कि आखिर इतनी बर्फबारी में इतनी रात को ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। लेकिन बात अभी यहाँ पे उनकी जान की थी। तभी एकदम से गाड़ी की लाइट बंद हो जाती है और जोसेफ मदद के लिए चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने नहीं आता। थोड़ी देर तक गाड़ी की लाइट बंद रही और जोसेफ को ये लगा कि वो अनजान लोग उनकी मदद करने नहीं आएंगे, लेकिन तभी एक बार फिर से गाड़ी की लाइट जल जाती है और जोसेफ मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। और जैसे ही वो थोड़ी देर तक चिल्लाते हैं, एक बार फिर से गाड़ी की लाइट बंद हो जाती है। अब ये सब चीजें हो क्या रही थी जोसेफ के समझ से एकदम परे थी। तभी वो गाड़ी अपनी जगह से जोसेफ की गाड़ी की ओर थोड़ा आगे बढ़ती है। एक बार फिर से जोसेफ के मन में एक उम्मीद सी आ गई थी, लेकिन उन्हें बहुत अजीब सी विसल की साउंड सुनाई पड़ती है जो कि बाहर से आ रही थी। अब वैसे तो जोसेफ मदद के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन चीजें इतनी ज्यादा क्रीपियर हो गई थी कि उन्हें इस विसल से भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अब क्योंकि जोसेफ की गाड़ी का पेट्रोल एकदम खत्म हो चुका था, लेकिन उनके चेस्ट का पेन अब ठीक था, इसीलिए वो अपनी गाड़ी से बाहर आकर देखते हैं। बाहर बर्फबारी तो बहुत तेज हो रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में भी जोसेफ ने यह पता लगा लिया कि आसपास कोई भी गाड़ी नहीं थी। उन्होंने अंधेरे में इधर उधर देखा भी, लेकिन गाड़ी का कुछ भी पता नहीं चलता है। अब ये चीज बहुत ज्यादा अजीब थी, लेकिन ठंड और बर्फ इतनी ज्यादा थी इसलिए जोसेफ ने पास के ही टाउन के पास जाना शुरू कर दिया, और पूरे 8 मील चलने के बाद वो वहां पे पहुंचे और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट वहां स्टार्ट हो गया, और तो और वो एकदम ठीक हो गए। लेकिन उस टाइम जोसेफ को ये चीज रियलाइज नहीं हुई थी कि वो आखिरी इंसान थे जिसने यूबा काउंटी 5 को अलाइव देखा था। अब मैं बात कर रहा हूँ 5 लड़कों की, जिनका नाम बिल स्टेरलिंग, जैक मेड्रोगा, जैक हुई, टेड वियर और गैरी मैथियस था। इन सभी लड़कों की उम्र 24 साल से 32 साल की उम्र के बीच में थी। उन 5 में से 4 को माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज भी थी, और गैरी जो थे उनको शिजोफ्रेनिया था
और उसके साथ साथ उनको थोड़ी सी वायलेंट टेंडेंसीज भी थी। अब आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान थोड़ा सा एबनॉर्मल है और दूसरों से अलग बहुत अलग तरीके से ये चीजों को फील करते हैं, सोचते हैं और बिहेव करते हैं। इन लोगों की एक अलग सी ही दुनिया होती है। अब जो बाकी के चार हैं जिनको थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, इसका मतलब ये होता है कि उनके नर्वस सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नॉलेज और स्किल्स को उतने सही तरीके से नहीं सीख पाते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इनको दूसरों से बहुत अलग बताती हैं। उन पांचों में से किसी किसी का तो IQ 40 के आसपास था और ये चीज यूबा काउंटी के लेफ्टिनेंट लेंस एयर्स ने बताया था। अब ये पांचों की मुलाकात हुई थी एक गेटवे नाम के ऑर्गेनाइजेशन से जो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की टीम प्रोवाइड कराती है वेरियस एक्टिविटीज और इवेंट्स में जब उनकी कुछ स्पेशल जरूरतें होती है। अब इन सब लड़कों की फेवरेट एक्टिविटी थी बास्केटबॉल। अब ये बात है 24 फरवरी साल 1978 की शाम की। ये पांचों लड़के एक बास्केटबॉल का मैच देखने गए हैं कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी शिको में, जो कि लगभग 50 मील दूर है यूबा काउंटी से, जहां पे इन सभी लड़कों के घर हैं। अब गेटवे ऑर्गेनाइजेशन की एक टीम थी गेटवे गैटर्स, जो कि बास्केटबॉल की टीम थी, और इन पांचों को अगले दिन एक स्पॉन्सर्ड गेम खेलना है जिसको ओलंपिक ने स्पॉन्सर किया हुआ है। अब इसी चीज को लेके वो पांचों लड़के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उस रात उनके साथ क्या होने वाला है। चलिए अब मैं आपको इन लड़कों की बैक स्टोरी से थोड़ा अच्छे से वाकिफ करा देता हूँ। विलियम ली स्टेरलिंग, जिसको हम बिल स्टेरलिंग के नाम से जानेंगे, उनकी उम्र थी 29 साल और वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थे और अक्सर ही रिलीजन की बातें करा करते थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इनको माइल्ड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज थी और वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते थे ताकि वो उनको अच्छे से सपोर्ट कर सके। अब बेचारे बिल की इस डिसेबिलिटीज का अक्सर लोग इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाते थे। अब अगर बिल साहब जिंदा होते तो मैं उनको ये बताता कि सामने वाले इंसान के पास कोई डिसेबिलिटी हो या ना हो, एक दूसरा इंसान ज्यादातर टाइम सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा ही उठाना चाहता है और यही इस दुनिया की एक कड़वी वास्तविकता है। खैर, अब हम अपनी कहानी पे वापस आते हैं। बिल एज अ डिशवॉशर काम करते थे BLA एयरफोर्स बेस में और अक्सर वहां के एयरमैन बिल को शराब पिलाकर उनके पैसे चुरा लेते थे। बिल को बाहर ज्यादा जाना भी पसंद नहीं था। जैक मड्रोगा, जिनकी उम्र 30 साल है, ये बिल के बहुत करीबी दोस्त हैं। जैक हाई स्कूल ग्रेजुएट है और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ साल US आर्मी को भी सर्व किया था। वहां से निकलने के बाद उन्होंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया जहां से उनको निकाल दिया गया। ऑफिशियली जैक को किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स ये बोलते हैं कि उनको थोड़ी सी याद करने की डिसेबिलिटी है। वो एक वाइट कलर की 1969 की मर्क्यूरी मोंटेगो चलाते थे और बहुत खुशी से अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। जैक होइट, जो इस ग्रुप के सबसे यंगेस्ट मेंबर थे, उनकी उम्र 24 साल की थी और इन पांचों में से सबसे सीवियरली हैंडीकैप्ड यही थे। इनको भी अपने घर से दूर रहना ज्यादा पसंद नहीं था और इनको भी थोड़ी सी लर्निंग डिसेबिलिटीज भी थी और ये टेड वेयर के बेस्ट फ्रेंड थे। दूसरे लोग इन दोनों को अक्सर भाई भी बोलते थे क्योंकि ये ज्यादातर चीजें एक साथ ही करते थे। थियोडोर आर्ल वेयर, जिनको हम टेड वेयर के नाम से भी जानते हैं, इनकी उम्र 32 साल की थी और ये मैरिसविले हाई स्कूल से पढ़े हुए थे और दूसरों के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं और अक्सर लोगों की मदद भी करते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद टेड को भी बेसिक कॉमन सेंस की दिक्कत थी। इसके बावजूद वो एक स्नैक बार में काम करते थे। उनके पेरेंट्स ने उनसे कई बार बोला कि वो अपनी जॉब छोड़ दें क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज की वजह से उनके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। इसके बाद आते हैं गैरी डेल मैथियस। इनकी उम्र थी 25 साल। ये बड़े बड़े ग्लासेस पहनते थे और इनकी आईसाइट बहुत ज्यादा वीक थी। गैरी एक US आर्मी के वेटरन थे, लेकिन जब वो जर्मनी में थे तो साइकेट्रिक रीजंस की वजह से उनको आर्मी से निकाल दिया गया और ये बात है साल 1973 की। इसके बाद उनको पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया हो गया, जिसकी वजह से अक्सर उनको बिहेवियर ट्रबल्स होते थे और कभी कभी वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते थे और इसी रीजन की वजह से उनकी डेली मेडिकेशंस चलती थी। और साल 1976 के बाद से वो अपने पिता के स्मॉल बिजनेस में पार्ट टाइम लेबर का काम किया करते थे। अब हम वापस आते हैं 24 फरवरी साल 1978 के दिन को। जब इन पांचों लड़कों की फेवरेट टीम जीत जाती है तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो अपनी कार में वापस आकर कैंपस से बेयर मार्केट में जाते हैं, जो कि डाउनटाउन शिको में था।
तकरीबन 10 बजे वो लड़के वहीं पे थे और ओनर को उनकी वजह से वेट करना पड़ता था क्योंकि उस टाइम तक वो मार्केट बंद हो जाती थी। अब क्योंकि वो ओनर सिर्फ उन 5 लड़कों की वजह से लेट हो रही थी, इसीलिए उनके चेहरे ओनर को बहुत अच्छे तरीके से याद थे और वहाँ से कुछ और खाने की चीजें लेकर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। उनमें से कुछ लड़कों के पेरेंट्स रात को बहुत देर तक जगे थे क्योंकि वो उनके आने का वेट कर रहे थे, लेकिन जब वो नहीं आते हैं तो सुबह वो पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो उन्हें एक क्लू मिलता है। अब एक आदमी ने उनकी कार देखी थी जो कि बास्केटबॉल कैंपस की लोकेशन से लगभग 70 मील की दूरी पर थी। अब जिस कार में वो पांचों लड़के घूमते थे वो कार थी जैक मैड्रोगा की, और जैक मैड्रोगा उस लोकेशन से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे। तो अब सवाल आता है कि वो लड़के उस लोकेशन पे गए क्यों थे। अब उस आदमी को उस कार के बारे में इसलिए पता था क्योंकि वो कार बहुत ही अजीब सी लोकेशन में पार्क थी, मतलब वो लोकेशन सड़क से बहुत हटके थी। जब पुलिस वहां पे पहुंची तो वो कार अनलॉक थी और बिल्कुल सही कंडीशन में थी, मतलब कि जब पुलिस ने उसे स्टार्ट किया तो वो एक ही बार में स्टार्ट हो गई। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि उस कार में एक विंडो का शीशा डाउन था। अब क्योंकि वहां पे इतनी बर्फबारी हुई थी और इतनी ठंडी थी, इसी वजह से ये बात बहुत अजीब थी। कार के अंदर से वो खाने की चीजों के रैपर्स मिले थे जो कि लेट नाइट उन्होंने उस मार्केट से खरीदे थे। जब पुलिस ने कार का पेट्रोल चेक किया तो अभी भी उसमें आधा पेट्रोल भरा हुआ था और कार के टायर भी बर्फ में नहीं फंसे हुए थे। तो अब एक चीज तो क्लियर थी कि वो कार वहां पे फंसने की वजह से नहीं रुकी थी, बल्कि किसी और रीजन की वजह से वहां पे रुकी हुई थी। उस जगह पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और सर्च को लगातार कंटिन्यू रखा हुआ था। लेकिन हफ्तों तक उन लड़कों का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन जब मौसम हद से ज्यादा खराब हो गया तो पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन रोकनी पड़ी, और जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। जब ये 5 बंदों की गायब हो जाने की खबर जोसेफ शोन्स को पता चली तो वो तुरंत पुलिस के पास पहुंचे, क्योंकि वो मर्क्यूरी मोंटेगो जो कि उनकी कार थी उसको पहचान गए थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर वो वही कार है जिसमें वो 5 बंदे बैठे थे तो जोसेफ के चिल्लाने के बावजूद वो उनकी मदद करने क्यों नहीं आए थे, और तो और वो छठी औरत कौन थी जिसके हाथ में एक बच्चा था। जब ये चीज टेड की मदर को पता चली तो उन्होंने पुलिस को ये बताया कि अगर कोई भी मदद मांगता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका बेटा मदद ना करे। इन सब के बाद एक दूसरी विटनेस सामने आती है जो कि एक स्टोर क्लर्क थी, और वो स्टोर था मैरीज कंट्री स्टोर जो कि था ब्राउन्सविले में। अब ये जगह कार की लोकेशन से लगभग 30 मील की दूरी पे थी। उन्होंने ये बताया कि सैटरडे 25 फरवरी को दिन के 2 बजे उन्होंने 5 लड़कों को देखा था जिसमें जैक और बिल फोन पर बात कर रहे थे स्टोर के अंदर, बाकी रेड पिकअप ट्रक में जो कि पार्किंग लॉट में था वहां पे बैठे हुए थे। ये स्टोरी स्टोर के बॉस ने भी कंफर्म करी, लेकिन लड़कों की फैमिली को ये चीज थोड़ी अजीब लगती है। अब उनका ये कहना था कि जैक कभी भी फोन पर ढंग से बात ही नहीं कर पाता था, और उसके इस रीजन की वजह से उनके दोस्तों का भी फोन जैक के भाई उठाया करते थे। अब लगभग 4 महीने बीत जाते हैं और ठंड लगातार बढ़ रही थी और लड़कों के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं पता चला था। अब हम आते हैं सैटरडे 4 जून साल 1978 को, जब साइक्लिस्ट का एक ग्रुप जंगल में साइकिलिंग कर रहा था, और साइकिलिंग करते करते वो जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पे एक ट्रेलर मिलता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ट्रेलर एक छोटा सा घर होता है जो कि पूरे तरीके से लकड़ी से बना होता है, और अक्सर ट्रेलर ऐसे भी होते हैं जिनके नीचे पहिए लगे होते हैं ताकि आप उन्हें अपने ट्रक से बांधकर कहीं भी ले जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप सब लोगों ने अपने दिमाग में इस तरीके के घर को इमेजिन कर लिया होगा। अब ये जगह जंगल के इतने बीच थी कि वहां के आसपास का लोगों का ये कहना था कि अगर कोई इंसान वहां तक चले जाए तो मतलब मौत के मुंह में जा चुका है, क्योंकि वहां पे कई सारे जानवर घूमते रहते थे। वो बाइकर्स का ग्रुप क्योंकि ग्रुप में था इसीलिए बिना ज्यादा डरे हुए वो घर के अंदर चले जाते हैं, और वहां पे उन्होंने एक भयानक डिस्कवरी करी। घर के अंदर एक बंक बेड था और उस पर एक आदमी की लाश कवर्ड थी, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि टेड वेयर थे। बेड के किनारे टेड की रिंग, उनका नेकलेस, उनका वॉलेट और उसके साथ साथ गोल्ड वॉच पड़ी हुई थी। टेड की लाश से उनके जूते गायब थे, मतलब ट्रेलर में आसपास कहीं भी जूते नहीं थे। टेड के पैर की 5 उंगली बुरी तरीके से खत्म हो गई थी क्योंकि उसे इंसेक्ट्स खा गए थे। पुलिस ने उनके वेट लॉस और हेयर ग्रोथ को देखकर ये चीज बताई कि लगभग 13 हफ्तों तक टेड जिंदा उसी ट्रेलर में रह रहे थे, लेकिन उसके बाद भूख और ठंड की वजह से उनकी डेथ हो गई।
अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ठंड कितनी भयानक चीज है। जब पुलिस ने उस ट्रेलर की अच्छे तरीके से तहकीकात करी तो उन्हें यह पता चला कि उस ट्रेलर में इतनी बहुत सारी चीजें थी जो कि टेड को ठंडी से बचा सकती थी, जैसे कि ब्लैंकेट्स, कोट्स जो कि बिल्कुल यूजलेस पड़े थे। उसके साथ साथ वहां पे माचिस थी, बुक्स थे, पेपर्स थी जिनको जलाकर टेड अपनी जान बचा सकते थे। उसके साथ साथ ट्रेलर का बुटेन टैंक भी पूरे तरीके से भरा हुआ था ताकि वो उसे ऑन कर पूरे ट्रेलर को गर्म कर सकते थे। लेकिन ये सारी चीजें एकदम अनटच थी। लेकिन थोड़ी और सर्च के बाद पुलिस को ये चीज पता चल गई कि वहां पे टेड अकेले नहीं थे। जिस तरीके से टेड की बॉडी कवर्ड थी, ये चीज साफ थी कि वो अकेले अपने आप को इस तरीके से कवर नहीं कर सकते थे। पुलिस को वहां से 31 सी रेशन कैंस मिले थे जो कि कैंस की एक टाइप होती है, और वो कैंस सिर्फ P-38 ओपनर से ही ओपन किए जा सकते थे, और वो सिर्फ गैरी और जैक मैड्रुगा ही कर सकते थे क्योंकि उनको आर्मी का एक्सपीरियंस था। तो अकेले वो चीज टेड के लिए ओपन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब ये ट्रेलर उनकी कार से लगभग 20 मील की दूरी पे है, तो अब टेड वहां तक कैसे पहुंचे ये बात अभी तक पुलिस को समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद पुलिस को ट्रेलर से डिहाइड्रेटेड फूड भी मिला, और वो फूड इतना था कि साल भर तक 2-3 बंदे अपना आराम से काम चला सकते थे। इसके बाद पुलिस को गैरी के स्नीकर्स भी मिले थे, लेकिन गैरी कहाँ था ये चीज किसी को भी पता नहीं थी। उसके बाद पुलिस ने ये सोचा कि शायद टेड ने गैरी के जूते ले लिए जो कि उसके पैर से बहुत ज्यादा बड़े थे, और शायद गैरी ने टेड के लेदर जूते ले लिए, लेकिन ये चीज बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रही थी। अब टेड के आसपास खाना पड़ा था और गर्म करने की चीजें पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद वो मर जाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ ये चीज तो कभी भी किसी को पता नहीं चली थी, लेकिन उनकी फैमिली ने पुलिस को ये बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब टेड ने ऐसी कोई अजीब सी हरकत करी हो। अब एक बार उनके घर में आग लग जाती है और सभी घर वाले बाहर आ जाते हैं, लेकिन टेड अभी भी अपने बिस्तर पर सोए पड़े थे क्योंकि सुबह उन्हें अपने ऑफिस को नहीं छोड़ना था। बाद में उनके घर वाले उन्हें उनके बेड से उठाकर बाहर लेकर आए। उसके बाद पुलिस ने ट्रेलर में से मिली हुई चीजों में से एक चीज पर थोड़ी गौर फरमाई, और वो थी टेड के बॉडी के साइड में पड़ी गोल्ड वॉच। पहले तो पुलिस को लगा कि वो टेड की ही है, लेकिन जब सभी परिवार वालों से पूछने के बाद पुलिस को ये चीज पता चलती है कि वो गोल्ड वॉच उन पांचों लड़कों में से किसी की भी नहीं थी, लेकिन वो टेड की बॉडी के साइड में इस तरीके से पड़ी हुई थी कि जैसे वो उन्हीं की हो। अब वो घड़ी किसकी थी और कितने देर से थी ये चीज पता लगाना पुलिस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। टेड की बॉडी की डिस्कवरी के 2 दिन बाद पुलिस को एक और भयानक चीज हाथ लगती है, और वो थी जैक मैड्रुगा और बिल स्टेरलिंग का कंकाल जो कि टेड के ट्रेलर से लगभग 4.5 मील की दूरी पे था, और वो जगह सड़क के थोड़े करीब थी। जैक के गाड़ी की चाबी अभी भी उनके पॉकेट में ही थी, और ये चीज मानी जा रही थी कि उनकी डेथ हाइपोथर्मिया की वजह से हुई है। अब जिसको नहीं पता तो मैं ये बता दूं कि हाइपोथर्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब एक इंसान का बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी तरफ बिल की डेथ किस वजह से हुई ये चीज नहीं पता चलती है। अब इन्वेस्टिगेटर्स के साथ जैक होइट के फादर भी मौजूद थे, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स नहीं चाहते थे कि वो उनके साथ चले क्योंकि उन्हें लगता था कि आगे कुछ भयानक न हो जाए। लेकिन जैक के फादर ने ये बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बेटे को घर लाना चाहते थे, चाहे वो किसी भी हाल में हो। फिर 2 दिन बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन और जैक के पिता सर्च में इधर उधर घूम रहे थे तो बर्फ में जैक के पिता को एक जैकेट दिखती है। अब ये जगह ट्रेलर से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी। जब जैक के पिता दौड़कर उस जैकेट को उठाते हैं तो उस जैकेट में से जैक की रीढ़ की हड्डी टूटकर गिर जाती है, और जैक का कंकाल पूरी तरीके से बिखर चुका था। अब आप खुद सोचिए कि उनके पिता की हालत उस समय कैसी होगी। अब सवाल ये आता है कि क्या जैक उस ट्रेलर तक पहुंच नहीं पाए थे, या ठंड से मरने के लिए उन्हें वहीं छोड़ दिया गया था। पुलिस ने अपनी तलाश जारी रखी, लेकिन कभी भी उनको गैरी की बॉडी नहीं मिलती है। इसके बाद पुलिस ने गैरी की डिस्क्रिप्शन पास के हॉस्पिटल्स और अदर मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज में भिजवा दी। अब सवाल ये है कि अगर गैरी जिंदा है तो उनके पास कुछ भी पैसे, कोई आइडेंटिफिकेशन, और सबसे बड़ी बात उनके पास कोई भी दवाई नहीं थी अपने शिजोफ्रेनिया के लिए। लेकिन गैरी के लिए ऐसी सिचुएशन पहली बार नहीं आई थी। अब ये बात है साल 1975 की, जब अचानक से गैरी ने यूबा कॉलेज में काम करना बंद कर ओरिगोन जाने का प्लान किया जहां पे उनकी ग्रैंड मदर रहती थी। गैरी की मदर और उनके स्टेप फादर ने फोन पर बहुत बुलाया, लेकिन गैरी ने वहां आने से मना कर दिया। लेकिन इसके बाद बहुत अजीब होता है।
कुछ हफ्तों बाद अचानक से एक दिन गैरी उनके दरवाजे पे वापस आ जाता है और उसकी हालत बहुत अजीब थी। अब पता नहीं कैसे पोर्टलैंड ओरेगन से मैरिसविले कैलिफोर्निया यानी पूरे 540 मील गैरी ने कैसे ट्रेवल किया किसी को भी नहीं पता था। पूछने पर गैरी ने बताया था कि उसने रास्ते में दूध पिया था और कुत्ते वाला खाना खाया था जिंदा रहने के लिए। गैरी का एक और ऐसा किस्सा है, एक बार जब गैरी स्टेट मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो पता नहीं कैसे वो वहां से भाग जाते हैं और मैरिसविले उसी हॉस्पिटल की ड्रेस में अपने घर पर आ जाते हैं। इस बार पूछने पे उन्होंने बताया कि वो लगातार लोगों से लिफ्ट लेकर यहाँ तक आए हैं और इस चीज को हम लोग हिच हाइकिंग बोलते हैं। अब अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो गैरी मैथियस आज तक मिसिंग है और किसी को उनकी कोई भी खबर नहीं है। अब पुलिस और लोगों के मन में कई सारे सवाल थे, जैसे कि माउंटेन में गैरी किसी ऐसी रिमोट लोकेशन में चले गए जहां पे किसी दूसरे का पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा होने के शायद कोई चांसेस थे, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो पांच लड़के उस लोकेशन पे पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि वो लोकेशन उनके घर से बहुत दूर है और कोई भी बंदा उससे फेमिलियर नहीं था। लेकिन बाद में पुलिस को ये पता चलता है कि वहां से एक छोटा सा टाउन जिसका नाम फोर्ब्स टाउन था, वहां पे गैरी के कुछ दोस्त रहते थे, तो शायद उन्होंने सोचा कि वापसी में वो लोग वहां पे उनसे मिलने जाने के चक्कर में कहीं वहां गलती से तो नहीं फंस गए थे। लेकिन लड़कों की फैमिली ने साफ इस चीज से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि उनके लड़कों ने कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करी थी और बिना बताए वो ना तो किसी से मिलते थे ना ही किसी के पास जाते थे। इस पर जैक मड्रिका की मदर का ये कहना था कि एक कोई दूसरा इंसान जरूर था उनके साथ जो उनको उस अबैंडन्ड जगह पे लेके गया था, क्योंकि वो लड़के ऐसे तो वहां पे नहीं जाते। और तो और जैक अपनी ठीक ठाक कार जिससे जैक को हद से ज्यादा प्यार था वो ऐसे बीच रास्ते उसको छोड़ के जाना, ये बहुत अजीब बात थी। अब गैरी की खोज तो जारी थी लेकिन पुलिस को अभी तक कोई भी लीड नहीं मिली थी। तभी यूबा सिटी की एक महिला जिसका नाम डेबी लीन रीस था, उनके साथ एक बहुत अजीब सी हरकत हो जाती है। डेबी को एक अननोन आदमी फोन करता है और ये बोलता है कि उसे पता है कि वो पांच लड़के कहाँ पे हैं, और ये चीज डेबी को पूरे तरीके से हिला कर रख देती है। अब ये फोन कॉल्स डेबी को उन पांच लड़कों के मिसिंग होने के लगभग 3 हफ्ते बाद आते हैं और तब तक किसी भी लड़के की लाश नहीं मिली थी। अब अगले दिन फोन फिर से आता है और वो आदमी ये बोलता है कि उसे मदद की जरूरत है क्योंकि उसने उन लड़कों को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर दिया है। इस पर डेबी ये पूछती है कि उसने किसको हर्ट कर दिया है। इसके जवाब में वो आदमी गुस्से से ये बोलता है कि तुम मेरे साथ बेवकूफों वाली हरकत मत करो, और ये कहते ही वो आदमी फोन काट देता है। अब एक बार फिर से डेबी को वो अननोन आदमी फोन कर ये बोलता है कि वो पांचों लड़के मर चुके हैं और इसके बाद उस आदमी ने कभी भी फोन नहीं किया था। ये सारी चीजों से डेबी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। उधर दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़े टेलीविजन शो कंपनी जिसका नाम अनसॉल्व मिस्ट्रीज है, जो पिछले कई दशकों से चलता हुआ आ रहा है, उसने उन लड़कों की फैमिली से कांटेक्ट किया और ये बोला कि वो इस केस के ऊपर एक एपिसोड बनाना चाहते हैं। अब सबकी फैमिली तो अग्री कर गई, लेकिन गैरी की फैमिली वालों ने इस चीज से मना कर दिया। अब इसकी वजह से डलास वियर यानी टेड के भाई ने थोड़े सवाल खड़े कर दिए। अब एक इंटरव्यू में डलास से ये भी पूछा गया कि क्या उनका ऐसा मानना है कि शायद गैरी ने उन चार लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ दिया था। इस पर डलास ने ये जवाब दिया कि ये इकलौती ऐसी चीज है जो कोई सेंस बनाती है। प्रेस, न्यूज़पेपर या किसी भी मीडिया ने जब भी गैरी की फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो उनकी फैमिली से कोई भी मेंबर सामने नहीं आता, और आता भी है तो कुछ जवाब नहीं देता, चाहे उनके पेरेंट्स या उनके कोई सिबलिंग्स ही हो। यूबा काउंटी शेरिफ जिनका नाम जैक बिचम था, उनका भी ये मानना था कि शायद किसी न किसी तरीके से गैरी इन सब चीजों में इन्वॉल्व था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये चीज भी सामने आई थी कि गैरी के अलावा बाकी के चार लड़के हमेशा एक साथ रहते थे और जहां जाना होता था एक साथ ही जाते थे, और गैरी की पर्सनालिटी उन चारों से बहुत ज्यादा अलग थी। इवन कुछ लोगों से ये भी चीज सामने आई कि गैरी उन चारों लड़कों को हमेशा लीड करता था। इसका मतलब ये है कि जहां भी जाना होता था या कुछ भी करना होता था हमेशा गैरी ही डिसाइड करा करता था। यहां तक कि उनके बास्केटबॉल कोच का भी ये कहना था कि गैरी कभी भी उन चारों लड़कों से कुछ भी करवा सकता था। बाद में एक चीज और सामने आई कि कभी भी किसी को भी यह नहीं पता था कि गैरी गेटवे प्रोग्राम में कैसे घुसा था, क्योंकि उसको कुछ भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता था। इसके बाद इस केस की एक और भयानक चीज सामने आई,
और ये चीज बताई थी गैरी के लॉन्ग टाइम दोस्त जिसका नाम जेनेट था। अब उन्होंने बताया कि अक्सर गैरी उनसे बोलता था कि उन्हें कई बार ऐसे सपने आए हैं जिसमें कई लोग अचानक से एकदम गायब हो जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए, और इस चीज को गैरी अक्सर रिपीट करते थे। अब क्या गैरी ने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था किसी को भी नहीं पता। इसमें जेनेट ने यह भी ऐड किया कि गैरी हद से ज्यादा वायलेंट इंसान थे और इसके साथ साथ वो औरतों से भी बहुत ज्यादा नफरत करते थे। गैरी गैरी गैरी, सब लोग बस बेचारे गैरी के ही पीछे पड़े हुए हैं। सारी थ्योरीज गैरी के ही इर्द गिर्द घूम रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बेचारे की लाश नहीं मिली थी। अब वो बेचारा था या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन किसी इंसान को सिर्फ इसलिए मर्डर बताना क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली है, ये चीज बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो इंसान भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा था। मानता हूँ बाकी चार की तरह गैरी को डिसेबिलिटीज नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको बहुत सारे डिसऑर्डर्स थे, लेकिन उन डिसऑर्डर्स की वजह से भी गैरी को लगातार टारगेट किया जाता है, इवन आज भी। अब अगर आप मेरी राय पूछें कि गैरी ने उन चारों लड़कों को नहीं मारा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उन चारों का दोस्त था, क्योंकि मेरा ये मानना है कोई भी सिचुएशन होती गैरी अपने घर जरूर आता। ये चीज मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बोली है, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारे चैनल्स आज भी कंटिन्यूअसली इस इंसिडेंट के लिए गैरी को ही टारगेट करते हैं। इस केस से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी। लास्ट में चीज बोलना चाहूंगा कि गैरी के बारे में जो मेरी राय है वो बहुत हद तक लास्ट के कुछ फोन कॉल्स पे भी डिपेंड है। मुझे लगता है गैरी की लाश भी शायद वहीं कहीं पहाड़ियों की बर्फ में दफन है, मतलब अब तो डिकम्पोज हो गई होगी। लेकिन अब आपकी क्या राय है इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और जब तक हम अगली बार मिलते हैं, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना है। और मैं तो यही हूँ, फिर 4 दिन के गैप के बाद एक बार फिर से आपके लिए एक बेहतरीन केस लेकर आऊंगा।